हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर टू पॉलिनोम ऑफ टेंथ क्लास स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द स्टेट बोर्ड्स सो प्लीज स्टे अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स और रिजल्ट बताने जा रही हूँ नाउ अब स्टूडेंट्स देखो पिछली क्लास में आपने क्या है लीनियर पॉलिनोमिल के बारे में स्टडी किया होगा देखो लीनियर पॉलिनोमिल की जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स प्लस बी यानी कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री या कह लो पावर क्या होती है वन होती है वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी आर रियल्स दिस इज अनियर लीनियर पॉलिन नाउ क्वाड्रेटिक पोलिन देखो कौन सा आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ए ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी सी आर रियल्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिन अब देखो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल में क्या है डिग्री कितनी होएगी वेरिएबल की टू यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स डिग्री मींस सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या होएगी टू क्योंकि देखो यहाँ पे इस में वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है प्रेजेंट है अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन लिखी है मैंने अगर देखो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर ए जीरो हो गया यहाँ पे तो तो सबसे बड़ी पावर है जो यहाँ पे वही देखो खत्म हो गई तो बी एक्स प्लस सी ये तो लीनियर हो जाएगा सो so, ये कंडीशन भी यहाँ पे जरूरी होती है ठीक है इसी तरह यहाँ पे ऊपर लीनियर में भी ये जीरो नहीं होना चाहिए कॉन्स्टेंट ए एक्स के साथ वाला नाउ इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोम कौन सा आएगा देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी डी आर रियल नंबर्स ठीक है ये आपकी होगी क्यूबिक क्यूबिक मीन्स पावर थ्री वाली यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम क्या हो इसमें देखो वेरिएबल कौन सा है एक्स उसकी देखो सबसे बड़ी पावर क्या है डिग्री थ्री है नाउ ए भी यहाँ पे क्या है जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये देखो क्या हो जाएगी ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगी राइट right? अब देखो नेक्स्ट कॉफिशेंट्स देखते हैं क्या होते हैं पॉलिनॉम के अब स्टूडेंट्स देखो अगर मैं मैंने यहाँ पे देखो पॉलीनॉमिल्स लिखे हैं अगर आप पोलिनमिल को इक्वल टू ज़ीरो कर दोगे जैसे आपने ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू ज़ीरो कर दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी लीनियर इक्वेशन यानी कि अब आप जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दोगे तो ये लीनियर पोलिन की जगह इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू जीरो कर दोगे ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे देखो ना सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होता और इक्वेशन में क्या है इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं सिर्फ इतना फर्क है और अगर मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिखनी हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी को इक्वल टू जीरो कर देंगे ये आपकी बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन राइट अब कॉफिशियंट देखो क्या है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल के डिस्कस करने लगी हूं मैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर अब देखो इसमें एक्सस्केयर का कॉफिशियंट देखो क्या है कॉफिशियंट का देखो मीनिंग क्या होता है अब जिसका कॉफिशियंट देखना है अब एक्सकेयर का बोला है यानी कि पावर टू वेरिएबल की पावर टू का कॉफिशियंट देखना है कॉफिशियंट मीन्स उसके साथ वाला जो नंबर पड़ा है उसका साइन भी आपने साथ लेना है प्लस का या माइनस का है. अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिखा है इट मीन्स ऑब्वियस है ये प्लस का है सो so, यहाँ पे कॉफिशियंट क्या आ जाएगा ए नेक्स्ट है कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर के बाद कॉफिशियंट किसका लिखना है हमने एक्स का अब देखो एक्स का कॉफिशियंट यहां पे क्या है एक्स के साथ कौन सा नंबर है बी सो बी इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स थर्ड इज कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म देखो यहां पे कौन सी होगी जिसमें एक्स नहीं है ठीक है दैट इज सी ठीक है इसी तरह अगर इस यहां पे इस पॉलिनोमिल में या इस इक्वेशन में कह लो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब होगा वो ए होएगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स सी होएगा और कॉन्स्टेंट टर्म डी होएगी राइट आई होप कॉफिशियंट्स वाला कंसेप्ट क्लियर है अब देखो इसकी एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं लेके सपोज टू एक्स स्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है अब यहाँ पे देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर कितना होएगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर मीन एक्सकेयर के साथ नंबर कौन सा है टू नेक्स्ट है कॉफिशियंट ऑफ एक्स एक्स का कॉफिशियंट देखो क्या है इसमें माइनस थ्री यहाँ पर थ्री नहीं लेना साइन भी साथ में लेके चलना है. और कांस्टेंट टर्म देखो कौन सी है इसमें इस इक्वेशन में फाइव राइट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफाइन करती हूँ मैं जीरोज क्या होते हैं देखो जीरोज या रूट्स कह लो या सोल्यूशन कह लो इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है देखो इसका अब हम डिस्कस देखो जीरोज किसके लिए करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिन के क्वाड्रेटिक पोलिन को ही डिस्कस करेंगे हम ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको डिस्कस करेंगे नाउ अब देखो रूट्स या जीरोज क्या होते हैं इस पॉलिनमिल के सबसे पहले तो हम जब भी जीरोज या रूट्स निकालते हैं उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर देते हैं राइट right? अब देखो जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं वहाँ से हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी ठीक है कितनी निकलेंगी टू जितनी डिग्री होती है उसकी यानी कि एक्स की सबसे बड़ी पावर टू है इट मीन्स एक्स की हमारे पास क्या है दो आंसर्स निकलेंगे कह लो चाहे सोल्यूशन कह लो चाहे एक्स की दो वैल्यूज़ कह लो अब देखो यही दो एक्स के जो आंसर निकलते निकलते हैं इन्हीं को रूट्स भी बोलते हैं और जीरोज़ भी बोलते हैं ये इसी का ही नाम है ठीक है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये सिंपली पहले भी आप करते हो जैसे आप x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करते हो लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व x की वैल्यू क्या है माइनस फाइव इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस फाइव क्या है इस इक्वेशन का रूट है या कह लो जीरो है या कह लो इसका सोल्यूशन है एक ही बात है ठीक है अब देखो इसके कितने रूट्स निकलेंगे दो निकलेंगे एक को मैंने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे को नाम दे दिया मैंने बीटा ठीक है अब हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा सम मीन्स इन दोनों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा आएगा अब देखो सम ऑफ रूट्स हम गिवन पॉलिनोमल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं अब यहां पे देखो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए ये आपने याद रखनी है ये चीज माइनस बी बी ये वाला है ओवर ए माइनस बी है क्या देखो कॉफिशियंट ऑफ किसका कॉफिशियंट है एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ ए देखो किसका कॉफिशियंट है स्टूडेंट्स ए है कॉफिशियंट ऑफ एक्सर नेक्स्ट है सम एंड प्रोडक्ट डिफाइन करनी है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इसी पे सारा चैप्टर बेस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो रूट्स हैं प्रोडक्ट क्या है इनकी अल्फाइन बीटा होगी और अल्फा इंड बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए सी सी है क्या देखो कांस्टेंट टर्म एंड ए देखो क्या है नीचे आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्सकेट देखो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं आगे okay? अब देखो क्वेश्चंस जो हैं वो हमने देखो किस टाइप के डिस्कस करने हैं अब हमने हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इक्वल टू जीरो करके उससे क्या है हमने रूट्स फाइंड आउट करा करने हैं ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे दूसरा है रूट्स गिवन होएंगे रूट्स से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाएंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह ठीक है फर्स्ट देखो मैं एक एग्जांपल लेके दोनों वेज से क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ एक ही क्वेश्चन को ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्केयर प्लस सेवन अब यहाँ पे देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल गिवन है हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यूज निकालेंगे ठीक है x की वो वैल्यूज क्या होएंगी जीरोज होएंगी इसका यानी कि ये टाइप कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या है रूट्स तक जाना है या कह लो जीरोज निकालने हैं उसके ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो क्या करेंगे हम अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये एक्सकेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इसको हमने करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ यानी कि इसकी जो मिडिल टर्म है एक्स की एक्स वाली टर्म इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ठीक है और डिवाइड हम देखो कैसे करते हैं यानी कि हमने 7x को दो हिस्से करने हैं इसके और लिखेंगे कैसे 7x को सबसे पहले हम एक्सकेयर और कॉन्स्टेंट के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है एक्सकेयर का कॉफिशन यहाँ पे कितना है वन साइन भी साथ लेना है आपने और कांस्टेंट टर्म कितनी है टेन टेन इन वन इज टेन इट मींस टेन को हम अब फैक्टराइज करने लगे हैं टू फाइव जा टेन फाइव वन जा फाइव अब देखो ये दो हिस्से बन गए टू और फाइव इट मींस सेवन को देखो अब टू और फाइव की फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल फाइव प्लस टू इज सेवन देखो ठीक है ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स यानी कि टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन यानी कि हमने सेवन एक्स की जगह देखो ये दो हिस्से लिखे हैं एक्सकेयर को एस एच और टेन को पीछे एस एच रखा है यहां पे आप देखो फाइव एक्स प्लस टू एक्स भी लिख सकते हो उससे भी आंसर सेम बनेगा राइट अब फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसमें से देखो एक्स कॉमन आ रहा है एक एक्स एक बाहर निकाल लिया अंदर एक एक्स एक रह जाएगा एक्स बाहर आ गया टू रह जाएगा अकेला प्लस इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है फाइव अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस टेन को देखो कैसे लिख सकते हो आप फाइव इंटू टू फाइव वाला पार्ट बाहर आ जाएगा अंदर सिर्फ रह जाएगा टू ना फिर x प्लस टू कॉमन आ रहा है दोनों में से x प्लस टू कॉमन ले लिया फिर यहां पे x बच जाएगा और ये बाहर आ गया प्लस के फाइव देखो राइट अब देखो हमने क्या करना है एक्सकेर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो जीरो के इक्वल तो अब होगा इफ एक्स प्लस टू इन टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो यानी कि इसके फैक्टर्स बना लिए हमने ये राइट नाउ अब देखो दो टर्म्स हैं उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है अब देखो जैसे टू इंटू ज़ीरो जीरो अब देखो दो टर्म्स लिखी हैं एक ज़ीरो होगी तो अपने आप ये जीरो हो जाएगा अब दो टर्म्स की प्रोडक्ट ज़ीरो इट मीन्स आइदर पहली वाली ज़ीरो आएगी या दूसरी ज़ीरो आएगी अब जब x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू और दूसरे से एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस फाइव अब देखो जीरोज निकल नहीं आए हमने एक्स की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी एक्स की देखो टू वैल्यूज निकल आए देर फोर जीरो प्लस सेवन एक्स प्लस टेन आर एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस फाइव दिस इज योर आंसर अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे हमें जीरोज गिवन है

अब देखो जब भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है यानी कि रूट्स से हमने क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल बनानी है तो वो कैसे बनती है ये आपने याद रखनी है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होएगी इज इक्वल्स टू एक्सकेयर माइनस एस एक्स प्लस पी अगर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो एक्सकेयर माइनस एस एक्स प्लस पी को इक्वल टू जीरो कर देंगे वेयर अब देखो समझ लें पहले ये है क्या वेयर एस इज एस क्या है यहां पे सम ऑफ रूट्स एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रूट्स अब देखो हमने क्या है इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आपने याद रखनी है इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारी देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी एस क्या है सम ऑफ रूट्स यानी कि दो रूट्स गिवन है उनका सम फाइंड आउट करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा एस किसके इक्वल है दिस अल्फा कितना है माइनस फाइव माइनस टू चाहे ऐसे लिख लो प्लस माइनस ये बन जाएगा प्लस माइनस 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 सेवन एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि माइनस फाइव इंटू माइनस टू कितना बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस फाइव टू जार टेन यानी कि एस और पी निकाल लिया इट मीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्केर माइनस एस एक्स प्लस पी वैल्यूज पुट कर दो इसमें माइनस एस की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन एक्स प्लस पी कितना है टेन सो so ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स प्लस टेन देखो आ नहीं गया हमारे पास क्या आंसर आ गया सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल देखो क्या ये एक्सकेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन अब देखो यही ऊपर स्टेटमेंट में पहले स्टार्ट यहीं से किया था देखो एक्सकेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन यानी कि ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं अगर ये वाला आंसर जीरो गिवन है तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या पॉलिनोमिल उससे रूट्स बना लिए हमने और अगर रूट्स गिवन है तो उससे हमने क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल भी बना लिया नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं एग्जाम्स में इसके फाइंड जीरोज ऑफ द्वारिक पॉलिनामेल यानी कि इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंड पार्ट देखें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशेंट्स और उसके जीरोज में जो एक्स के आंसर्स निकलेंगे और कॉफिशेंट में क्या रिलेशन होता है बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपके साथ एक्सरसाइज के अब देखो फर्स्ट देखो एक्सकेयर माइनस टू एक्स माइनस एट अब हमने क्या करना है इसको सबसे पहले मिडल टर्म को दो हिस्सों में डिवाइड करना है और करना कैसे है कॉफिशेंट देखो क्या है यहाँ पे एक्सकेयर का वन यहाँ पे है माइनस एट तो माइनस एट है यहाँ पे अब मेरे पास माइनस एट इंटू वन है माइनस एट अब देखो जब एट के फैक्टराइजेशन करोगे आप टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है ना तो एक मैं ले लेती हूँ फोर तीन टर्म्स है ना टू 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 और एक ले लेती हूँ टू ठीक है अब देखो फोर और टू को हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि मेरा टू बन जाए अब देखो टू कैसे बनेगा फोर माइनस टू करेंगे तो प्लस का टू बनेगा बट मेरे को यहाँ पे माइनस का टू चाहिए सो जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे माइनस लगा दो दूसरे के आगे प्लस लगा दो देखो माइनस फोर प्लस टू क्या बन जाएगा माइनस टू सो so, इनके आगे अब एक्स लगा दो, दोनों नंबर्स के आगे देखो एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट ये दोनों टर्म्स को नहीं छेड़ते सिर्फ सेंटर वाली को छेड़ा हमने इसकी जगह ये वैल्यू लिख ली अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना स्टूडेंट्स देखो माइनस फोर को टू से क्या बनेगा माइनस एट देखो दोबारा माइनस एट भी बन गया ना इट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक सिलेक्शन किया ये दो नंबर्स की ठीक है मल्टीप्लाई करके दोबारा ये बनना चाहिए और प्लस और माइनस करके सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए राइट right? अब देखो पहले दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है एक्स रह जाएगा एक बाहर आ गया माइनस फोर पीछे वाले दोनों में से टू कॉमन आ रहा है एक्स माइनस फोर क्योंकि एट को हम कैसे लिख सकते हैं टू इंटू फोर टू बाहर आ जाएगा फोर वो अंदर रह जाएगा अब फिर एक्स माइनस फोर कॉमन आ रहा है एक्स माइनस फोर आ गया तो बचेगा क्या एक्स प्लस के टू देखो सो फैक्टर्स बन गए अब हमने जीरो फाइंड आउट करने हैं एक्स की वैल्यूज नाउ इस चीज को हम गिवन स्टेटमेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे वो जीरो के इक्वल तब होएगी इफ एक्स माइनस फोर नाओ एक्स माइनस फोर नाओ दिस इज इक्वल टू जीरो वेन आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो अब यहां से क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू फोर और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी नाउ की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास यहाँ पे अब देखो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया अब देखो उन्होंने क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट में जीरोस फाइंड आउट करने हैं अब सेकंड पार्ट देखें इसका वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट अब देखो जीरोस में और में रिलेशन फाइंड आउट करना है वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखो मैंने जो स्टार्टिंग में करवाया ना सम ऑफ समीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है नाउ सम ऑफ जीरोज सम ये दोनों जीरोज निकले इनका सम मीन्स फोर प्लस माइनस माइनस टू फोर माइनस टू इज टू अब मैं ना ये चीज जो आपको करवाई है सामने रख लेती हूँ आपने देखो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू इसको इस फॉर्म में लिखना है फिर इसको इस फॉर्म में लिखना है यानी कि माइनस डी ओवर की, की फॉर्म में लिखेंगे पहले विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अब ए बी और सी क्या है यहाँ पे देखो ए कितना है वन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्केर बी क्या होता है कॉफिशंट ऑफ एक्स माइनस टू सी कितना है माइनस एट है अब माइनस बी बी कितना है माइनस टू ओवर ए ए देखो कितना है मेरा यहाँ पे ए इज वन माइनस बी ओवर ए की फॉर्म में लिख लिया अब इनको कॉफिशंट्स की फॉर्म में लिख लो माइनस माइनस टू देखो है क्या कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ पे पूरा लिख लेना कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर वन क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्केर अब देखो रिलेशनशिप आ नहीं गया रूट्स में रूट्स या जीरोज में और कॉफिशेंट्स में दूसरा प्रोडक्ट वाला भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होंगी फोर इंटू माइनस टू यानी कि माइनस एट विच इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है सी कितना है माइनस एट ओवर ए ए कितना है यहाँ पे वन अब ये माइनस एट है क्या माइनस एट इज कॉन्स्टेंट टर्म सॉरी सिंपली माइनस नहीं आएगा कॉन्स्टेंट टर्म ओवर वन क्या था कॉफिशेंट ऑफ एक्सस्केर बस ये देखो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट सो इस क्वेश्चन में देखो यही करना था ना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कॉफिशेंट में रिलेशनशिप कह रहे थे चेक करो सो so, ये जो मैंने फर्स्ट आपको समझाया देखो ये जीरोज़ या रूट्स कह लो उन उसके बीच में और कॉफिशेंट्स के बीच में देखो रिलेशन आत हो गया ठीक है अब देखो माइनस टू को हमने देखो माइनस माइनस प्लस टू को ही हमने इस फॉर्म में लिख लिया सो so, काफ़ी ईजी है क्वेश्चन अब देखो इसका एक और सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं नाउ सेकेंड पार्ट इज़ फोर एस केयर माइनस फोर एस प्लस वन अब इसमें भी देखो हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं अब स्टूडेंट्स आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना x की जगह s आ गया कोई चक्कर नहीं है हमें देखो वेरिएबल x की जगह कोई भी आ सकता है s t y z तो आपने करना क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से है ठीक है इसमें भी हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं और जीरोज़ और कॉफिशेंट के बीच में रिलेशन चेक करना है अब सबसे पहले मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे माइनस फोर एस को अब देखो फोर कॉफिशेंट क्या है एस स्केर का फोर कांस्टेंट है वन यानी कि फोर अब फोर फोर के देखो दो पार्ट्स कैसे बनेंगे टू और टू अब देखो स्टूडेंट्स अब देखो टू में टू ऐड करेंगे तो फोर बन जाएगा बट हमें यहाँ पे माइनस फोर चाहिए माइनस फोर चाहिए तो अगर माइनस कर दोगे टू माइनस टू जीरो बन जाएगा बट अगर दोनों को माइनस लोगे तभी माइनस फोर बनेगा देखो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर आ गया और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस के फोर बन जाएंगे फिर कॉफिशेंट बन गया देखो फोर मल्टीप्लाई करने पे फोर बन गया और माइनस टू माइनस टू लेने पे माइनस फोर आ जाएगा सो सेंटर वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं एस लगा दो माइनस टू माइनस टू है ना दोनों माइनस टू एस माइनस टू एस आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म वैसे लिख ली अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है टू भी कॉमन है दोनों में एस भी कॉमन है एक टू बाहर आ गया टू टू ज फोर लिख सकते हैं देखो फोर को एस आ जाएगा माइनस के वन अब यहाँ पे देखो फैक्टर सेम रखना है अब यहाँ पे टू एस क्या है प्लस का है ये प्लस का कैसे होएगा जब माइनस वन कॉमन लेंगे देखो पीछे वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस वन अब देखो सेम कर दिया मैंने ये टू एस माइनस वन कॉमन आ गया फिर क्या रह गया टू एस माइनस वन इक्वल बने हैं देखो यहां पे फैक्टर्स अब यहां पे क्या करोगे फोर एस माइनस फोर एस प्लस टू जीरो और टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो से देखो एस की वैल्यू क्या आ गई हाफ और यहां से भी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ दोनों से देखो सेम वैल्यू आएगी ठीक है ये दोनों क्या है मेरे रूट्स निकल आए अब देखो रिलेशन चेक करना है उनके रूट्स के बीच में और कॉफिशेंट पे नाउ स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो मीन ये दोनों एस की वैल्यूज का सम करना है कितना आ जाएगा वन आ जाएगा अब इसको हमने किसके इक्वल लिखना होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल अब देखो ए कितना है स्टेटमेंट में फोर बी कितना है माइनस फोर सी कितना है वन कॉफिशंट्स लिख लिया देखो फोर माइनस फोर एस का और सी वन माइनस बी बी कितना है माइनस फोर ओवर ए कितना है फोर अब देखो एक्चुअली ये क्या है ये इक्वली होते हैं ये क्योंकि देखो ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर के साथ फोर कैंसिल वन नहीं बचेगा यानी कि वन को ऐसे लिख सकते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको समझाया कि इसको माइनस बी ओवर ए लिख लो नाउ नेक्स्ट माइनस को एस एच माइनस फोर क्या था कॉफिशियंट ऑफ विच इज इक्वल्स टू कॉफिशियंट ऑफ एस ओवर नेक्स्ट फोर फोर किसका कॉफिशियंट था कॉफिशियंट ऑफ एस स्केर देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट वाला भी ऐसे कर लेते हैं नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होएगा हाफ इंटू हाफ वन बाय फोर इसको सी ओवर ए के इक्वल लिखना होता है सी कितना है वन ओवर ए वन ओवर फोर यानी कि उस फॉर्म में ही पड़ा हुआ है ये ऑलरेडी वन क्या था कांस्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म ओवर फोर क्या था मेरा कोफिशियंट ऑफ एस स्किल देखो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स इसकी मैंने थ्री एग्जाम्पल्स ली हैं आई होप ये आपको समझ आ गए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखो हमने क्या किया है रूट्स निकालने सीखे हैं अब रूट से इक्वेशन वाले थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वारडरेटिक पोलिनोमिलच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है क्वाडरेटिक पोलिनोमिल बनानी है हमें सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है यानी कि एस गिवन है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और पी की वैल्यू गिवन है देखो तो बड़ा इजी है हम देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता लग जाए तो हमें क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल कैसे बनती है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल इज इक्वल्स टू एक्सकेयर माइनस एस एक्स प्लस पी अब देखो जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या है जीरोज ही गिवन थी बट हमें यहाँ पे जीरोज के बाद क्या एस और पी निकालने पड़ते हैं यहाँ पे बट डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है सो so, हमने सिंपली इसमें क्या है वैल्यूज ही पुट करनी है सो so, ये आपका बन जाएगा एक्स केयर माइनस सम देखो कितना गिवन है वन बाय फोर एक्स और पी की वैल्यू कितनी गिवन है प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा सो so, ये आपका बन जाएगा फोर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस वन सो so, ये आंसर होएगा देखो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल बनेगी राइट सो नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके नेक्स्ट है एस गिवन है एंड पी गिवन है देखो ये एस गिवन है जीरो एंड पी इज गिवन अंडर रूट ऑफ फाइव अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल कौन सी है नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोम एज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी होएगी. वेल इज डाउन कर दो एक्स स्वेयर माइनस जीरो इंटू एक्स प्लस पी कितना है अंडर रूट ऑफ फाइव अब जीरो इंटू एक्स तो जीरो ही हो जाएगा सो so, जीरो वाली टर्म चाहे आप ना लिखो सो so, ये सिंपली बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव दिस इज योर आंसर नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका एस गिवन है एंड पी इज गिवन एस इज़ गिवन माइनस वन बाय फोर एंड पी इज गिवन वन बाय फोर अब देखो इस केस में क्या है रिक्वायर्ड क्वाडरेटिक पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी फिर वैल्यूज ही पुट डाउन करनी है सिर्फ ना रिक्वायर्ड क्वाडरेटिक पोलिनोमल या आप स्टूडेंट्स पूरा लिख लेना ना रिक्वायर्ड क्वाडरेटिक पॉलिनोमल इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी वैल्यू पुट डाउन कर दो इसकी एस की माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस पी कितना है वन बाय फोर ये आपका बन जाएगा एक्स स्वयर प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर नाओ ये आपका बन जाएगा आप कोशिश करते हो कि पॉलिनॉमिल में क्या है ये फ्रैक्शन में ना हो इसीलिए क्या है इस फॉर्म में लिख देंगे अब इसको फोर एक्स स्वेयर प्लस एक्स प्लस वन नाओ दिस इज योर आंसर नाउ स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पॉलिनोमल्स गिवन हुए दो पोलिनमिल्स अब हमने देखना है कि हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे पोलिन को देखो छोटी क्लासेस में आप क्या है नंबर्स को डिवाइड करते हो अब यहाँ पे पोलिनॉमिल्स को डिवाइड करके हमने क्या है कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है देखो इस क्वेश्चन में डिवाइड द पोलिनमिल पी एक्स बाय जी एक्स इसको इसके साथ डिवाइड करना है और फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करेंगे देखो स्टूडेंट्स इसका बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं आपको अब देखो सबसे पहले ये आपका क्या है डिविडेंट पार्ट है जिसको आपने अंदर रखना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और डिवाइड किसके साथ करना है एक्स स्क्र माइनस टू के साथ डिवाइड करना है पोलिनोबिल्स के केस में हमने इस टर्म को एक ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमने इसके इक्वल बनाना है ठीक है अब ध्यान से समझना ये सबसे पहले तो आपकी ये दोनों टर्म्स अंदर और बाहर वाली क्या है ऑर्डर में होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि यहाँ पे देखो x की पावर सबसे बड़ी पहले लिखी होनी चाहिए यहाँ पे देखो x की सबसे बड़ी पावर थ्री है सो सबसे पहले उसी को लिखा हुआ है फिर उससे छोटी टू वाली फिर उससे छोटी वन वाली फिर कॉन्स्टेंट वाली फिर बाहर भी ऐसा ही होना चाहिए पावर टू उसके बाद कोई भी नहीं है पावर वन वाली फिर टू ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे अब देखो एक्स केयर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एक्स क्यूब बन जाए देखो एक्स केयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए एक्स के साथ ही करेंगे देखो एक्स की पावर वन एक्स केयर इंटू एक्स की पावर वन देखो पावर ऐड अप हो जाएंगी सो so, एक्स के साथ करेंगे बट यहाँ पे जो एक्स लगेगा वो टू माइनस टू के साथ भी तो मल्टीप्लाई होएगा यानी कि यहाँ पे हम x लगाएंगे ताकि एक्स क्यूब बन जाए ये x जो है एक्स केयर माइनस टू यानी कि दोनों टर्म्स के साथ होएगा मल्टीप्लाई एक के साथ करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम्स में ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स सो ये दोनों टर्म्स बनी हैं एक्स के साथ अब देखो इनको उसी ऑर्डर में लिखना है एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे माइनस टू एक्स है एक्स के नीचे लिखेंगे इसको देखो माइनस टू एक्स यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं नाउ अब हमने देखो ये कैंसिल करते जाना है अब देखो दोनों का साइन सेम है हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाले का साइन प्लस है माइनस ये माइनस है प्लस साइन चेंज कर दिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए बाकी नीचे उतारना स्टार्ट कर दो पहले ऑर्डर टू वाला ही लिखना है यहाँ पे देखो एक्स की पावर टू वाला लिखना है प्लस प्लस फाइव प्लस टू एक्स प्लस के सेवन एक्स माइनस थ्री अब फिर क्या करना है अब देखो एक्सकेयर इनको सेम करना है एक्स स्केयर एक्स स्केयर तो देखो ऑलरेडी है माइनस थ्री की कमी है सिर्फ यानी कि अगर इसको मैं माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्केयर माइनस टू को देखो क्या बन जाएगा मेरा माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस के थ्री टू देखो माइनस थ्री एक्स हमने पहले वाला मैच करना है जो मैक्सिमम वाली पावर है पहले सो so, इसको माइनस थ्री के साथ किया ये बन गया माइनस थ्री एक्स स्केर प्लस के सिक्स कॉन्स्टेंट के नीचे लिखेंगे साइन चेंज माइनस है प्लस का कर देंगे कैंसल ये प्लस का इसको माइनस का कर दो सेवन एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स कितना बन जाएगा माइनस नाइन ये आंसर अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर टू है यहाँ पे x की पावर क्या है छोटी होगी अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे ठीक है अब यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन और रिमेंडर लिख देते हैं नाव क्वेश्चन पार्ट कौन सा हुआ क्वेश्चन टू एक्स माइनस थ्री एंड रिमेंडर हमारा कौन सा आ गया इसमें इज इक्वल्स टू सेवन एक्स माइनस नाइन सो दिस इज योर आंसर नाउ स्टूडेंट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके साथ का नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका डिवाइड थ्री एक्स केयर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन माइनस एक्सर एंड वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम अब सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं वेरीफाई पहले डिवाइड देखें कैसे करेंगे इस पॉलीनोमिल को दूसरी पॉलिनॉमिल के साथ अब देखो इस पॉलीनोमिल को डिवाइड करना यानी कि इसको अंदर रखना बट सबसे पहले ये चीज देखो यहाँ पे देखो पावर कम वाली पहले लिखी हुई है जो मैक्सिम पावर है थ्री वो पीछे लिखी है इट मीन इसको पहले अरेंज करना है जब भी ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का गलत होता है स्टूडेंट्स इसको बिना अरेंज किए ही डिवाइड कर देते हैं सो so, इसको देखो पहले ही माइनस एक्स क्यूब फिर एक्स केयर वाली प्लस के हैं एक्स केयर थ्री एक्स स्यर फिर एक्स वाली और फिर कॉन्स्टेंट लिखेंगे देखो और बाहर भी देखो मैक्सिमम पावर कौन सी है एक्स स्यर वाली फिर एक्स वाली और फिर कॉन्स्टेंट अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देखो हम स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं तो बिल्कुल गलत है वो चीज़ अब यहाँ पे देखो एक्स स्केयर है माइनस माइनस तो ऑलरेडी है एक्स स्क्र है एक्स क्यूब बनाना है यानी कि सिंपली एक्स के साथ करेंगे देखो माइनस एक्स स्क्र को प्लस वन माइनस वन को सिंपली एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या माइनस एक्स क्यूब नहीं बन गया देखो माइनस एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर को हम इक्वल करते हैं पहले 9 प्लस के एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर माइनस एक्स देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करे करने पे ये तीन टर्म्स बनेंगी पहले वाली सेम करनी है हमने सबसे पहले नाव इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर और एक्स एक्स क्यूब बन गया माइनस एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्केयर माइनस के एक्स यानी कि ये टर्म सिर्फ इसके साथ नहीं करनी इन दो टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा सो आप रफ में करके चेक कर सकते हो ये ठीक है अब देखो साइन चेंज प्लस माइनस प्लस नौ यू प्लस माइनस कट गई थ्री माइनस वन मतलब टू एक्स स्केयर आपने सिंपली कॉफिशियंट ही माइनस करना होता तो है कन्फ्यूज नहीं होना एक्स स्क्र में से एक्स स्केयर वाला ही करोगे नाओ यहां पे क्या है माइनस थ्री प्लस के वन माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है माइनस टू एक्स और फाइव को नीचे लिख लेंगे नाव एक्स स्क्र एक्स यानी कि एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहां पे किसके साथ करेंगे माइनस वन है और यहाँ पे देखो टू है प्लस के टू बनाने हैं यानी कि माइनस टू के साथ करेंगे देखो माइनस टू माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन यानी कि माइनस टू सारी के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ देखो ये टू एक्स स्केयर तभी बनेगा देखो टू एक्स स्केयर हमने बनाना है माइनस टू एक्स प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू वन जार टू देखो ये टर्म्स बनेंगी टू एक्स स्केयर माइनस टू के साथ किया माइनस टू एक्स प्लस के टू देखो नाउ साइन चेंज साइन चेंज कर दिए मैंने ये प्लस माइनस कट, कट गया ये भी प्लस माइनस कट गया फाइव माइनस टू इज थ्री रह गया देखो रिमाइंडर सो so, ये आंसर है सो ये आपका क्या है क्वेश्चन है सो so, क्वेश्चन आपका कितना आया एक्स माइनस टू एंड रिमाइंडर कितना आया मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर इज थ्री अब देखो स्टूडेंट्स इन्होंने बोला डिवीजन एल्गोरिदम हमने क्या है वेरीफाई करनी है अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है डिवीजन एल्गोरिदम में आप क्या करते हो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमेंडर देखो यही होती है डिवीजन एल्गोरिदम देखो मैं एक नंबर की हेल्प से समझा देती हूँ जैसे सपोज यहाँ पे नंबर है नाइन नाइन को मैंने टू के साथ डिवाइड किया टू फोर ज़ा एट वन रिमाइंडर बचा अब ये नाइन को आप कैसे लिख सकते हो नाइन इज डिविडेंट उसको आप कैसे लिख सकते हो फोर इंटू टू प्लस वन देखो फोर टू ज़ा एट प्लस वन इज नाइन यानी कि आप क्या करते हो डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और रिमाइंडर ऐड सेम वही पॉलिनोमल में भी होल्ड होती है अब देखो हमने चेक करना है कि ये होल्ड हो रही है अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं इसकी डिवाइज़र इंटू क्वेशन अब देखो डिवाइजर कितना है मेरे पास ये ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ प्लस रिमाइंडर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की देखो डिवाइजर है आपका माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन और क्वेश्चन है एक्स माइनस टू प्लस के थ्री देखो इसकी वैल्यूज पुट की है हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड बन गई अगर इट मीन्स दोनों इक्वल हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ये बन गया अब सबसे पहले देखो क्या करो माइनस एक्स केयर को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस टू एक्स स्यर ठीक है पहले मैं माइनस एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ ठीक है फिर देखो नेक्स्ट है इन दोनों को भूल जाओ प्लस एक्स माइनस टू एक्स फिर माइनस वन को देखो कर लो माइनस एक्स प्लस के टू प्लस के थ्री देखो अब एक्स क्यूब वाली टर्म्स पहले देखो एक्स क्यूब वाली एक ही है अब स्केयर वाली एक दो दो ही हैं इनका कॉफिशन देखो टू प्लस वन थ्री यानी कि प्लस के थ्री एक्स स्केयर एक्स वाली दो हैं कॉफिशन देखो माइनस टू माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स कॉन्स्टेंट वाली प्लस फाइव अब देखो देखते हैं ये स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं डिविडेंट गिवन था जो अब डिविडेंट देखते हैं देखो देखो यही था डिविडेंट अंदर वाला पार्ट माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स के देखो सेम आ रहा है माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस के फाइव देखो मैच कर गया सो दिस इज इक्वल टू डिविडेंट सो ये आपकी प्रूव हो गई हैंस डिविजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड सो so, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे आप नंबर्स के केस में वैसे ये पोलिन आ गए बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं अब नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें ऑप्टेन ऑल द जीरोज ऑफ देखो पोलिन गिवन है पावर फोर वाली इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री अब हमने क्या फाइंड आउट करना है यानी कि एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दो हमें गिवन है चार नहीं फाइंड आउट करनी हमें दो गिवन है आधा काम किया हुआ है ऑलरेडी देखो पावर फोर है फोर निकलेंगे एक्स की वैल्यूज दो गिवन है इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन यानी कि एक्स की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अब देखो वो फाइंड आउट करने का देखो स्टूडेंट्स तरीका क्या है अब देखो क्योंकि ये दो अगर जीरोज हमें गिवन है देखो एक कंसेप्ट आपको समझाती हूँ पहले ये वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देखा था हमने ये एग्जाम्पल ली देखो अगर x इक्वल टू माइनस फाइव और x इक्वल टू माइनस टू दोनों अगर ज़ीरोज हैं इस इक्वेशन की तो इसके फैक्टर्स देखो क्या बने थे देखो x माइनस है तो उधर जाके प्लस x प्लस फाइव मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू यानी कि ये फैक्टर्स निकले थे इसके अब हमें ये भी क्या है दोनों रूट्स गिवन है अब यहां पे भी हम क्या करेंगे दोनों के फैक्टर्स बना के दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले ठीक है ये कंसेप्ट ध्यान से देखना आप कैसे लिखने लगे हूं नाओ सिंस टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन देर फोर एक्स माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड एक्स ये माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा दीज आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमेल ये नहीं कि ऑफ पॉलिनोमेल वन लिख दो वन बार बार बड़ी है ना थोड़ी इसलिए मैंने अब इट मीन्स ये दोनों फैक्टर्स होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या बनेगा मेरा ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी लगेगा तो क्या बन जाएगा ये ए स्केयर माइनस बी का स्केयर जब स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट कट जाएगा एक्स स्केयर माइनस फाइव बाय थ्री सो ये आपका बन जाएगा थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव पॉन थ्री सो ये आपका क्या है ये आपका क्या है फैक्टर बन जाएगा गिवन पॉलिन का ठीक है ओवर थ्री है जो हो वो वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू जब जीरो करेंगे वो पार्ट हम नहीं लेते सो so, हमने क्या लेना है सिर्फ थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव ओवर थ्री आ गया सो so, मैं यहाँ पे लिखूंगी नाउ थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमिल गिवन पॉलिनोमल नंबर वन अब देखो हमें क्या मिल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू डिग्री वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास बट हमारे पास तो फोर डिग्री वाली है यहाँ पे देखो सो so, दो वाली जो हम हैं कैसे निकालेंगे क्योंकि ये फैक्टर है इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे देखो जब हम थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव को इसके साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो जो दो रूट्स हैं मिस हुए हैं हमारे वो आएंगे देखो स्टूडेंट्स ठीक है अब देखो नाउ अब हम देखो डिवीजन करने लगे हैं थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स माइनस फाइव अब हम देखो इसको डिवाइड करने लगे हैं किसके साथ थ्री एक्स स्क्र माइनस फाइव देखो मैं दोबारा कंसेप्ट समझा देती हूँ पहले डिवाइड करते हैं फिर समझ आ जाएगा आपको कि क्यों कर रहे हैं डिवाइड नाउ अब देखो सेम करना है इनको थ्री है थ्री ऑलरेडी है एक्स स्क्र है यहाँ पे एक्स की पावर फोर है सो मैं एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ये आ जाएगा थ्री एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्केयर साइन चेंज कर देंगे साइन चेंज के नेक्स्ट सिक्स एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा प्लस के फाइव है माइनस टू फाइव माइनस टू इज थ्री प्लस थ्री एक्स स्केयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे थ्री है टू के साथ करेंगे प्लस के टू और एक्स एक एक्स के साथ यानी कि सिक्स एक्स क्यूब माइनस फाइव टू जा माइनस टेन एक्स बनेगा माइनस टेन एक्स नाउ साइन चेंज साइन चेंज कैंसल ये भी देखो प्लस और माइनस सेम है कैंसल थ्री एक्स स्यर माइनस का फाइव रह गया अब यहाँ पे देखो थ्री एक्स केयर थ्री एक्स स्केयर सिंपली वन के साथ करेंगे सो थ्री एक्स स्क्र और वन इसके साथ भी होएगा माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस माइनस साइन चेंज रिमाइंडर आ गया जीरो सो so, पूरा पूरा डिवाइड हो गया अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम जब लगाएंगे हम देखो हमने क्या किया था ये सारा फैक्टर जो है मेरा डिविडेंट को क्या किया था मैंने डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अब यहाँ पे भी देखो ऐसे लिखेंगे ना हो थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव यानी कि डिविडेंट इक्वल होएगा डिवाइजर डिवाइजर क्या है ये वाला थ्री एक्स स्क्र माइनस फाइव इंटू क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा है ये वाला पार्ट है मेरा एक्स स्वयर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस रिमाइंडर ज़ीरो है उसको मैंने छोड़ ही दिया अब देखो हमने इसके दो हिस्से कर लिए हैं देखो एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे रूट्स ये ऊपर वाले हमें पता है ये दो निकलेंगे इट मीन्स ये जो बचे हमारे दो रूट्स रह गए वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही तो निकलेंगे देखो ये तो ऑलरेडी हमें पता है ऊपर गिवन है सो हमने सॉल्व किसको करना है सिंपली एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन वाली को सॉल्व करना है अब मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे टू को ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन ये आपका बन गया एक्स कॉमन एक्स प्लस वन प्लस वन ही कॉमन एक्स प्लस वन सो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन ना इसके जीरोज निकालें इसको इक्वल टू जीरो करेंगे सो so, वहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वन एज जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्या वैल्यूज आ गई एक्स की माइनस वन यहाँ से भी क्या आ गई एक्स की वैल्यू माइनस वन दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई सो so, हमारे पास क्या है चारों रूट्स निकल आए इट मीन्स एक्स के रूट्स कौन कौन से निकले हैं माइनस वन दूसरी वैल्यू भी माइनस वन दो हमें गिवन थी देखो फाइव बाई रूट थ्री का अंडर रूट और माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री देखो ये आंसर है देखो उसकी पावर फोर थी ना इसमें देखो ये पावर फोर थी यानी कि इसके चार आंसर आएंगे वो चारों देखो मैंने लाइन में लिख दिए सो स्टूडेंट्स दिस कम्पलीट्स योर चैप्टर टू पॉलिनामिल्स स्टूडेंट्स मैंने क्या है इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं सो so, प्लीज़ जो आप चैप्टर का मेन कंसेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो पकड़ने की कोशिश करें कंसेप्ट को इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स उसमें आप एक्सरसाइज लिख के क्वेश्चन नंबर लिख के कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट में मैंने टेंथ क्लास के सारे चैप्टर्स के एम सी क्यूज़ भी डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट्स वो प्ले लिस्ट में आके जाके आप ज़रूर देखें स्टूडेंट्स So in the end i would like to say thanks to all the students for watching my this video